दुनिया भ्रमण करने वालों की कमी नहीं है। दुनिया में घूमने वाला घुमंतु कुछ न कुछ नया ढूंढ ही लाता है। उसे ही ढूंढते हुए वियतनाम में एक किसान को कुछ ऐसा मिला जो दुनिया भर में पॉपुलर हो गया। साल 1951 में वियतनाम में एक किसान हो कान्हा को घूमते हुए एक ऐसी जगह मिली जो दुनिया के लिए बाद में अजूबा बन गई। यह गुफा 5 किलोमीटर लंबी है। इस गुफा के भीतर अपना ही एक जंगल है जिसमें बंदर, पक्षी, चमगादड़ और अन्य जीव पाए जाते हैं। इस गुफा में कई हरी नदियां बहती हैं। यहां दुनिया के सबसे ऊंचे चूना पत्थर के नेचुरल खंभे बने हुए हैं। गुफा के भीतर लाखों करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स मिलते हैं। यही नहीं, इस गुफा का अपना ही एक वातावरण है जहाँ बादल भी उड़ते हैं और बारिश भी होती है। इस गुफा को नाम दिया गया है हेंग सोन डूंग। इस किसान के बाद और भी लोग यहाँ आने लगे। ये जगह साल 2009 में अस्तित्व में आई जब ब्रिटिश वैज्ञानिकों का एक दल वहाँ पहुँचा और इस जगह का निरीक्षण किया। जो जगह उस किसान ने खोजी थी वो दुनिया की सबसे बड़ी गुफा थी जिसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। हेंग सोन डूंग गुफा वियतनाम के फोन हा पार्क में स्थित है। 1990 तक इसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पार्क में इतना विशाल, भव्य और रहस्यों को समेटे हुए एक अनूठा संसार छुपा हुआ है। हो खाना नामक एक स्थानीय किसान बचपन से ही जंगल में लकड़ियां काटने और अन्य चीजें जुटाने के लिए आया जाया करता था। 1990 में किसी दिन वह अपने काम की चीजें तलाश कर रहा था, तभी उसने एक चूना पत्थर की चट्टान का खुला हिस्सा देखा। उत्सुकता के कारण वह आगे बढ़ा। वह गुफा का मुहाना था। किसान ने वहां पर बादल तैरते देखे। उसे अंदर कहीं से नदी के बहने की आवाज भी सुनाई दी। यही नहीं, उसे गुफा के अंदर से तेज हवा बाहर आती महसूस हुई। इसके बाद वह गुफा के अंदर नहीं गया और घर लौट आया। बाद में गुफा का रास्ता वह भूल गया और बात आई गई हो गई। इसी दौरान ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन के दो मेंबर होवार्ड और डेव लिबर्ट गुफाओं की तलाश में फोन हा के बाघ नेशनल पार्क आए। वे आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत भी करते थे। इसी क्रम में हो कान्हा ने गुफा के बारे में बताया। इस गुफा के अंदर पहले से ही सब कुछ मौजूद था। वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि यहाँ पहले से ही कोई शहर बसा हुआ है। इस गुफा में अपने बाग बगीचे, खेत, झील और बादल थे। एक गुफा के भीतर बसे हुए इस शहर की जो तस्वीरें प्राप्त हुई हैं, वे बेहद ही खूबसूरत हैं। इस गुफा के भीतर एक नदी भी है जो बहुत ही बड़ी है। यह गुफा टूरिस्टों के लिए भी अब आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। प्रकृति के इस रहस्य को समझने और सुलझाने की कोशिशें हर कोई करना चाहता है। इस गुफा में अगस्त 2013 में पहली बार टूरिस्ट आए थे। यहाँ पर ज्यादा टूरिस्टों को आने की अनुमति नहीं दी जाती। पिछले साल यहाँ 500 लोगों को जाने की अनुमति दी गई थी। यहाँ पर फरवरी से अगस्त तक टूरिस्टों को आने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद बारिश होने के कारण इसे बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। MFY News, हमेशा सच के साथ।